बात करेंगे बड़ी खबर से, और दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जतन सहनी की हत्या हुई है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, घर के अंदर जतन सहनी का शव मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं दरभंगा से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या किसी ने कर दी है। मुकेश सहनी के पिता जतन सहनी का शव मिला है उनके घर से। तो घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और घर के अंदर से जतन सहनी का शव मिला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दरभंगा से। वीआईपी सुप्रीमो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। घर में घुसकर किसी ने उनकी हत्या कर दी और घर के अंदर से जतन सहनी का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित घर में उनका शव मिला है। तो घर में घुसकर किसी ने हत्या की है। दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित घर से उनका शव बरामद किया गया है। तो मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख हैं, उनके पिता की हत्या की खबर है। घर से ही शव मिला है। दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित घर से शव बरामद किया गया है। और जी मीडिया संवाददाता मुकेश जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी ये मिल रही है कि उसका आज सुबह जब घर का दरवाजा बंद था तो कुछ पेंशन गया, घर का दरवाजा को कटाया, जब दरवाजा नहीं खुली तो जबरदस्ती दरवाजा खोला गया, तो अंदर में मुकेश सहनी के पिता जतन सहनी की सब छत बिछत स्थिति में मिली। लोग देखते हैं अचंभित हो गए। सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ घर पर अकेले रहा करते थे। ऐसी स्थिति के बाद वहाँ जो जैसे ही ये बात आग की तरफ फैली और फैलते ही दरभंगा SSP जगुनाथ रेड्डी समेत ग्रामीण SP और साथ ही DSP बिरौल DSP जो है उनको भी इस बात की जानकारी मिली। थाना सहित बड़ी संख्या वहाँ पुलिस पहुंची हुई है और जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनास्थल, उस घटनास्थल के बारे में पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है और सबसे स्थानीय स्तर जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और सभी इस बात का अंजपीत है कि मुकेश सहनी के पिता के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। ये अपने आप एक बड़ा, क्योंकि जिस तरह सब मिला और बाहर से गठबंधन था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी मुकेश, ये बताइए कि जहां वो जतन सहनी रहते थे जिस घर में और जहां से शव बरामद हुआ है, वहां वो किसके साथ रहते थे? क्या अकेले रहते थे उस घर में? जी, जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी तक वो वहां अकेले रहा करते थे और इसी में इस तरह का सब मिलना अपने आप में पुलिस खुद अचंभित है और देखने वाली थी कि जहाँ से पुलिस जुटी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं। अब देखने वाली बात यह कि पुलिस कितनी जल्द इस बात का निवेदन करती है। और यह तो प्राइमरी है, अभी तो बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस बल पहुंची हुई है और भी SSP जगन्नाथ रेड्डी भी अभी वहाँ घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। मुकेश, ये बताइए, शव पर कोई चोट के निशान हो कुछ ऐसा दिख रहा है? जी, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन जो सब देखने से पता चल पा रहा है कि तलवार की धार से उनकी जो कोई तेजधार है, जो हथियार होता है, उससे उसकी उनकी हत्या की गई है। जी मुकेश, आप बताइए ये कानून व्यवस्था किस तरह से है? आप बताइए, एक नेता के, एक पार्टी के प्रमुख के पिता की हत्या कर दी जा रही है, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी निश्चित रूप से, जिस तरह से हत्या की बात सामने आ रही है, जिस तरह की घटना की बात कही जा रही है, जो सब सामने दिखलाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कानून व्यवस्था की बात करें तो जब ग्रामीण SP वहां पे हैं, मैं आपको बता दूं कि अलग से बिहार सरकार ने ग्रामीण SP की भी नियुक्ति दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला की बात करें तो दरभंगा जिला में एक SSP बैठती है, साथ ही साथ बिरौल वहाँ DSP है। बगल में मुश्किल से, मैं आपको बता दूं कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुकेश थाना से मुकेश सहनी की घर है और इन सबके बीच और बाजार, उनका घर जो है वो बीच बाजार में, सुपौल बाजार जो है वो बहुत ही चलता फिरता जगह है। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना को अंजाम देना निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल ऊंचा करता है। ये अपने आप एक बड़ा सवाल बिहार सरकार पर भी, पुलिस पे उठती है, किस तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। जी मुकेश, ये बताइए कि जैसे ये घटना कब की हो सकती है? जो शुरुआती तौर पर जो आपको जानकारी मिल रही होगी उसके मुताबिक कब इनसे बात हुई थी आखिरी बार, आसपास के लोगों की, कब उन्होंने देखा था इन्हें? जी मैं आपको बता दूं कि इनका उम्र लगभग 65 साल था
और ऐसी स्थिति के बाद जब कल देर रात तक लोगों ने कहा कि लोग वहाँ जो स्थानीय लोगों का कहना है कि कल देर शाम तक हम लोगों से बातचीत हुई है, कहीं कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही, और आज सुबह ऐसी घटना निश्चित रूप से अपने आप एक बड़ा हम लोगों के लिए अचंभित करने वाला है। इस तरह की घटना कैसे घट सकती है और इस तरह की जो बातें सामने आ रही है अपने आप एक बड़ा सवाल। बिल्कुल मुकेश साहब बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दे, दरभंगा से ये खबर मिल रही है, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जतन सहनी की हत्या हुई है। घर में घुसकर किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। घर के अंदर जतन सहनी का शव मिला है। शव घर के अंदर था और बाहर से घर का दरवाजा बंद था, और इससे तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। आपको बता दें, दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित घर में जतन सहनी रहते थे, और जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है उसके मुताबिक वो उस घर में अकेले रहते थे। कल शाम तक आसपास के लोगों ने उनसे बातचीत की, उन्हें देखा, और फिर अब उनका शव बरामद हुआ है। तो इस तरह से तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, एक पार्टी प्रमुख के पिता की हत्या कर दी गई है, अपराधियों में जरा भी कानून का खौफ नहीं है। जिस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है धारदार हथियार से हत्या की गई है। हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि तलवार से उनकी हत्या की गई है, हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन आप ये समझिए कि मुकेश सहनी जो एक पार्टी के प्रमुख हैं, उनके पिता की अपराधी बेखौफ तरीके से जान ले लेते हैं, और इससे सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से कानून व्यवस्था है। मुकेश बने हुए हमारे साथ। मुकेश, सवाल यही उठता है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जतन सहनी की हत्या किसने की? शुरुआती तौर पर क्या किसी से विवाद की कोई खबर आ रही है, किसी से लड़ाई झगड़े की कोई खबर है? जी, मैं आपको बता दूं कि इनके पिता के बारे में जो वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत ही हसमुख थे और वह लोगों से मिलजुल करके रहा करते थे। लगभग देर रात ही हत्या की बात सामने आ रही है, और जिस तरह की बात घर के अंदर की जो तस्वीर है, उस तस्वीर के हिसाब से जो सारा सामान छीटा हुआ, यूं कहा जाए कि लूटपाट की भी लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया होगा, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। क्योंकि जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी का शव मिला है। बहुत बड़ी घटना है, अगर इसको सामाजिक तौर पर देखें तो सामाजिक तौर पर भी ये बहुत बड़ी